नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। कैसे हो? आशा करता हूँ काफी अच्छे हो। चलिए आज हम डिस्काउंट का पार्ट फोर लेके आए समतुल बट्टा ज्ञात करने के आधार पर। काफी अच्छी टाइप है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन ही जाता है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसे हम बताए थे पहले डिस्काउंट का पार्ट फर्स्ट में बताए थे मास्टर फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला के आधार पर यह भी होगा। चलिए लिख देते हैं फॉर्मूला जिन्हें नहीं बताया उन्हें। तो समतुल्य बट्टा बराबर 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस परसेंटेज 1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस परसेंटेज 2 अपॉन 100। इसी फॉर्मूले के आधार पर हमारा समतुल्य बट्टा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए प्रश्न देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ो जानदार तरीके से। बट्टे को इस तरह से पढ़ा देंगे, प्रश्न आएगा परीक्षा में और आप खुशी खुशी से लगा के आएंगे। चलिए, और पहला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है डिस्काउंट का, वो पार्ट वन जाके देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा डिस्काउंट। तो हम प्रश्न लेके चल रहे हैं। तो प्रश्न नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन, 50% और 50% और 50% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य के समतुल्य एक मात्र बट्टा होगा। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आ गया कि 50% और 50% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा होगा। तो अभी जिस तरह से फॉर्मूला बताए थे वही लिखना है आपको, 100 माइनस 100 अपॉन 50% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 50 माइनस कीजिए कितना होगा, 50 अपॉन 100, दूसरा 50 अपॉन 100। ठीक है, समझ गए, इतना लिख लोगे आप। इन दो जीरो से एक जीरो काट दो, इस जीरो से एक ये, इस जीरो से एक ये, 5 का गुणा 5 करेंगे कितना आएगा, 25। अब 100 में से माइनस 25 करेंगे कितना बचेगा, 75%। तो इसका समतुल्य बट्टा कितना आ गया, 75% आ गया। ठीक है, समझ चुके होंगे। अगर आपको जल्दी में बनाना है तो देखिए, मेथड नंबर वन ये रहा हमारा, मेथड नंबर टू, 50% प्लस 50% माइनस 50 इंटू 50 अपॉन 100। इस जीरो से ये, इस जीरो से ये, 25 और 50 और 50 कितना होता है, 100 में माइनस 25 75। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अच्छे से पढ़ो मन लगा के, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा बट्टे से आपका, पूरे टाइप देखना है और अच्छे से पढ़ना है। कहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जानदार तरीका से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू है 30% तथा 40% के, क्वेश्चन नंबर टू 30% तथा 40% की क्रमवार कटौतियां किस एक मात्र कटौती के समतुल्य होगा, किस एक कटौती के समतुल्य होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा 30% तथा 40% की एकमात्र क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। ठीक है, तो वही रखना है, हम मेथड नंबर टू यूज कीजिए जल्दी में, 30 प्लस 40 माइनस 30 इंटू 40 अपॉन 100। इस जीरो से ये, इस जीरो से ये, ठीक है, 30 और 40 होते हैं 70, 70 में से आप 3 4 12 घटाएंगे तो हमारा 58% आ जाएगा आंसर। ठीक है,
तो समतुल्य बट्टा क्या होगा 58%। क्लियर, समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो आप मेथड नंबर फर्स्ट से भी लगा सकते हैं, 100 माइनस 100 इंटू 30% की छूट, मतलब 100 में से 30 70 अपॉन 100, 40% की छूट, 100 में से 40 है 60%। ठीक है, दो जीरो से ये, दो जीरो एक से ये 7 6 42, अब 100 में से माइनस 42 करेंगे तो 58% आएगा। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो पढ़िए समझिए, मन लगा के पढ़ो और ठान लो अपने मन में कि सिलेक्शन लेना है तो लेना है, और फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको फिर। ठीक है, मन लगा के पढ़ो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, अच्छे से सीखो, पहले सीखिए, और जो महापुरुष कह रहे होंगे कि सरल सरल प्रश्न करा रहे हैं, तो देखिए जब तक तुम नहीं सीख पाओगे तब तक तुम अच्छे बड़े प्रश्न नहीं कर सकते, जब तुम्हें छोटी चीज नहीं आएगी तो बड़ी चीज कैसे निकाल पाएंगे आप, तो पहले छोटे सीखिए, हम सिखा रहे हैं टैप बाय टैप सिखा रहे हैं, अब एक ही टाइम में सभी दे देंगे तो भसड़ हो जाएगी और आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, टाइप बाय टाइप एक एक करके सीखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर थ्री है कि 60% तथा 50% का समतुल्य बट्टा कितना होगा, समतुल्य बट्टा कितना होगा। ठीक है, अब इसे आप लगा सकते हैं, तो इसे मेथड नंबर टू से लगाइए इसे, 60 प्लस 50 माइनस 60 इंटू 50 अपॉन 100, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अगर गलत होगा तो मैं आपको सही रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अच्छे से बता रहे हैं, गलत तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर मुझे आपसे चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काफी अच्छे प्रश्न है जो परीक्षा के देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फोर 50% तथा 30% तथा 40% के तीन क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। ठीक है, अब ये प्रश्न आ गया कि इसमें तीन लगातार बट्टा दे दिए, तो घबराना नहीं है, वो भी मेथड नंबर वन से आराम से निकल जाएगा, जिस तरह से फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो आप लिखिए 100 माइनस 100, 50% दिया है तो इंटू 100 माइनस 50 करो, 50 अपॉन 100 इंटू 30% दिया है, 100 में से 30 घटाओ 70, 40% दिया है, 100 में से 40 घटाओ 60 अपॉन 100। ठीक है, समझ गए, एक मिनट रुकिए, तो 100 अब 50% दिया है, 50 अपॉन 100 इंटू 70 अपॉन 100 इंटू 60 अपॉन 100। ठीक है, अब इसे दो जीरो से ये दो जीरो काटिए, इस एक से ये, इस एक से ये, इस एक से ये। ठीक है, 5 6 5 5 2 10, 2 3 3 बार कर दी, 7 3 21 हो गया, अब 100 में से माइनस 1 ही करेंगे तो कितना बचेगा, 79% आंसर हो गया। ठीक है, समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे, अगर कोई इश्यू हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐप में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।